नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर वन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी जहां आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, अगर आपको कोई भी लक्षण है तो क्या सावधानी बरतें, परिवार में कोई संक्रमित है तो कैसे ध्यान रखें, इन्हीं सब सवालों के लिए आपके अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। अगले घंटे डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा। आप भी कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अगले एक घंटे तक आप हमारे फोन नंबर पर फोन करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करें। इससे पहले हम एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेखों पर जरा सा भी भरोसा ना करें। ये आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग है। कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आप केवल डॉक्टर्स की सलाह पर ही दवा लें, ओपीडी की शुरुआत करें। उससे पहले प्रदेश का ताजा हाल आपको बताते हैं। तो बुधवार को कोरोना के 1171 केस मिले हैं, 2705 लोग ठीक भी हुए हैं यानी कि रिकवर हुए हैं। ये हरियाणा का ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर संक्रमण की स्थिति क्या है, हरियाणा में रिकवरी रेट करीब 97% तक पहुंच गया है, यानी कि रिकवरी अच्छी खासी अब मरीजों की हरियाणा प्रदेश में हो रही है। इसके साथ ही हरियाणा में अब एक्टिव केस करीब 14,000 के आसपास बचे हैं। 14,000 केस हरियाणा में एक्टिव हैं जिनका इलाज डॉक्टर्स की निगरानी में लगातार चल रहा है। अब तक 58 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 58 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट अब तक किया जा चुका है क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक बड़ा हथियार है, ये डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं। इसलिए आगे आइए और जागरूक होइए वैक्सीनेशन को लेकर। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 7 जून तक है। इसके साथ ही दुकानें खोलने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का है। सुबह 9 से लेकर दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं। प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। ODI के तहत दुकानें खोलने की परमिशन दरअसल दी गई है और जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना बेहद आवश्यक होगा। इसके लिए पहले से ही दुकानदारों को बताया गया है। तो ये नियम भी हैं, दुकानें खोलने के कुछ छूट दी हैं, पाबंदियां हटाई गई हैं, तो प्रोटोकॉल का पालन भी ज़रूर करना होगा। तमाम नियम कायदे कानूनों को मानते हुए उनको फॉलो करते हुए अपना व्यापार दुकानदार कर सकते हैं, इसकी इजाज़त दी गई है। प्रशासनिक तौर पर पहले से ही हिदायत भी दी गई है और साथ ही जो नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी, इस बात को भी प्रशासन पहले ही कह चुका है। तो 23 मई 2021 की बात करें तो 4409 केस मिले थे, इसके बाद 24 तारीख को 3757 केस हुए, यानी कि ये केस कम हो गए। तो ये प्रदेश का ताज़ा अपडेट भी आपने जाना और ये भी जाना कि किस तरीके से दिन पर दिन केसेस कम हो रहे हैं और अब राहत ज़रूर मिली है, लेकिन सावधानी अभी भी उतनी ज़रूरी है जितना हम पहले बरत रहे थे, ये शासन प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। हमारे साथ डॉक्टर अमित भूषण जुड़ गए हैं जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अमित भूषण शर्मा, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज़ हरियाणा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी, ओपीडी की शुरुआत हम कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, एक एक करके दर्शकों के सवाल भी हम लेंगे और आपके जरिए उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं चाहूंगा एक बार आप उन विषयों पर भी अपनी बात रखें ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को जानकारी मिल पाए, दर्शक भी ये समझ पाएं कि किस तरीके से हमको जागरूक रहना है, सावधानी क्या क्या बरतनी है, क्योंकि अब हमने देखा सेकेंड वेव के दौरान हार्ट पर भी कोरोना का इफेक्ट आया है, कई और बीमारियां इसकी वजह से जन्म ले रही हैं। तो किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करेंगे, क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे डॉक्टर अमित? नमस्कार सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि सेकेंड वेव में
जो मैक्सिमम डेथ ऑलमोस्ट 70% डेथ जो हुई है जी. वो कार्डिक इश्यूज की वजह से या वैस्कुलर इश्यूज की वजह से हुई है, जिसकी वजह से लोगों की जाने गई हैं और काफी यंग लोगों की जाने गई हैं. सडन कार्डिक डेथ्स हुई हैं और ये उस टाइम पे होती हैं जब पेशेंट इम्प्रूव कर रहा होता है, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, और उन लोगों में हुई हैं जिनमें अपेरेंटली कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं थे, किसी को कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, डायबिटीज नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको सडन डेथ हुई है. तो कोरोना हार्ट को तीन तरीके से डैमेज करता है. सबसे पहला तो ये कि ब्लॉकेजेस करता है, ये क्लॉट्स पैदा करता है. वही क्लॉट अगर हार्ट की नसों में आ जाए तो हार्ट अटैक करते हैं. वही क्लॉट अगर ब्रेन में चले जाए तो ब्रेन स्ट्रोक करते हैं. वही क्लॉट अगर पाँव में चले जाए तो लेग की गैंग्रीन या पैरों का की नसों को ब्लॉकेज करते हैं. ये तो हो गया ब्लॉकेज वाला काम. और इसमें सिम्टम्स पेशेंट को रहेंगे जनरली क्या कि बोलेंगे कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, भारीपन हो रहा है. अगर आप उंगली लगा के बता सकते हैं कि यहाँ भारीपन है, यहाँ भारीपन है, तो वो हार्ट का दर्द नहीं है. हार्ट का दर्द है 1 या 2 किलो का पूरा वजन छाती पे आना. चलेंगे तो बढ़ जाएगा, बैठेंगे तो कम हो जाएगा. घबराहट, बेचैनी, पसीना आना रहेगा और जनरली मॉर्निंग टाइम में, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में पाया जाता है. दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कंडक्शन डिस्टर्बेंसेस, यानी कि इलेक्ट्रिकल, पहला था प्लम्बर की प्रॉब्लम, दूसरी है इलेक्ट्रिशियन की प्रॉब्लम, या कंडक्शन सिस्टम जब फेल हो जाता है उसमें क्या होगा कि हार्ट की गति बहुत या तो स्लो हो जाएगी या बहुत फास्ट हो जाएगी. तो नॉर्मल हमारी हार्ट की गति 60 से 90 होती है. इन केसेस में हार्ट की गति गिर के 30-35-40 हो जाएगी और उसके बाद जब बढ़ने होगी तो 130-140 की भी हार्ट रेट बढ़ जाती है. तो ये मरीज कंप्लेन करता है कि मेरी हार्ट की गति एकदम बढ़ रही है या कम हो रही है. तो इस केसेस में कई बार ऑलमोस्ट 6 या 7 केसेस ऐसे हुए हैं लास्ट 2 महीने में जिनमें हमें पेसमेकर तक लगाना पड़ा है जब हार्ट की गति बहुत धीमी हो जाती है. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हार्ट की गति बहुत स्लो है या फास्ट है. तीसरा जो करता है कोविड करता है वो कोविड मायोकार्डाइटिस, यानी हार्ट के मसल्स की कमजोरी करना. उसकी वजह से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, खून आगे नहीं जाता, वापस फेफड़ों में जाता है. सांस की तकलीफ होना, घबराहट होना, खासतौर पे अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मुझे लेटे लेटे सांस की तकलीफ हो रही है और उठ के बैठता हूँ तो आराम आ जाता है, लेटे लेटे खांसी हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पल्मोनरी एडिमा या हार्ट की दिक्कत होना. तो ये चीज अगर किसी को इंसान को लेटे लेटे सांस की तकलीफ हो रही है, बढ़ रही है, तो वो सांस की तकलीफ हार्ट की वजह से है, ना केवल लंग्स की वजह से है. तो ये जरूरी है जानना कि सांस की तकलीफ आपको किस वजह से हो रही है, हार्ट की वजह से या लंग्स की वजह से. अगर आपको हार्ट की दिक्कत की वजह से ही हो रही है तो उस केसेस में फिर अगर सांस की तकलीफ हो रही है तो उसमें फिर अलग अलग अपने ट्रीटमेंट मेजर्स होते हैं वो करने हैं. एक और आखिरी चीज बताना चाहूंगा सिम्टम्स में कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या जो महिलाएं होती हैं, कई बार ओल्ड पेशेंट्स में भी छाती में दर्द नहीं होता है, उनको खाली गैस की तकलीफ या घबराहट, बेचैनी होना या सांस की तकलीफ होना. तो रूल आउट अ कार्डियक प्रॉब्लम फर्स्ट. अगर डायबिटिक पेशेंट है, उसको गैस की तकलीफ हो रही है, उसको एस्पिरेटरी ना समझें, पहले रूल आउट कर लेंगे हार्ट की तकलीफ तो नहीं है कोविड की वजह से. या अगर डायबिटिक पेशेंट है, उसको अगर अस्थमा हो रहा है तो रूल आउट कर लेंगे हार्ट फेलियर तो नहीं है इसकी वजह से. ये हम लोग बहुत जाने बता सकते हैं इसको देखते हुए. अगर आपको नो योर नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नो योर नंबर्स का मतलब अपना पल्स कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है आपका, सैचुरेशन कितनी है और शुगर्स कितने हैं. ये 4 टेस्ट अगर आप कराएंगे अपने घर पे करेंगे तो ये बहुत जरूरी है. जी ठीक है डॉक्टर अमित, आप मेरे साथ बने रहिए, और भी कई सारी जानकारियां आपसे आगे भी मिलूंगा. डॉक्टर दानिश जमाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं. डॉक्टर दानिश आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज हरियाणा में हमारे साथ जुड़ने के लिए. जी हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं. डॉक्टर दानिश मैं चाहूंगा आपके पास आऊं, उससे पहले वेद प्रकाश जी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े हैं. वेद प्रकाश जी आप अपना सवाल कर सकते हैं. वेद प्रकाश जी आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? चलिए लगता है हमारा संपर्क वेद प्रकाश जी से कट गया. एक बार फिर से आप ट्राई करिए सर, और लगातार इसी तरीके से आप दर्शक हमारे साथ कॉल करते रहिए, हमें कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए. सीधा डॉक्टर से आप संपर्क करिए, आपके जो सवाल हैं उनका जवाब आपको जरूर मिलेगा और घर बैठकर ही आपको बेहतर इलाज मिल पाएगा. आपके मन में किसी भी तरीके का कोई संदेह दवाइयों को लेकर है, अपने इलाज को लेकर है, या आप कुछ जानना चाहते हैं संक्रमण से जुड़ा हुआ, वैक्सीनेशन को लेकर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. हमारे साथ 2 डॉक्टर आज मौजूद हैं. डॉक्टर दानिश, क्योंकि ब्रीथिंग प्रॉब्लम लोगों को काफ़ी ज़्यादा रही है और खासकर ये सेकेंड वेव में हमने देखा,
मैं चाहूंगा इससे जुड़ी कुछ खास बातें आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि लोग जागरूक रहें आगे के लिए, और अगर इस तरीके की दिक्कतें लोगों को आती हैं तो क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी है, किस तरीके से खुद को निरोग करना है। डॉक्टर दानिश जी, तो सबसे पहले अगर ब्रीदिंग की बात करें, लोगों के लक्षण क्या होते हैं जी, इस वेव में, इस करंट कोविड वेव के अंदर कुछ बदलाव हैं पिछले कोविड वेव के मुकाबले। इस बार लोगों के अंदर ये चीज देखी गई है कि कई प्रतिशत लोगों में कोविड के आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और लंग में फिर निशान बन जाते हैं और फिर सांस की फूलन शुरू हो जाती है। तो यह बात जरूरी है कि समय से अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें। कई बार आपकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है और आप सोचें कि जो ये बुखार बनने के बाद मुझे सांस की फूलन किसी और कारण हो रही है, मेरा आरटीपीसीआर तो नेगेटिव है, उसमें आपने दवा समय से नहीं कराई, यह बहुत गलत बात है। आपने उस समय पे एडिशनल टेस्टिंग की जरूरत होती है जिसमें हम एक चेस्ट का स्कैन करें और साथ में हम कुछ ब्लड रिपोर्ट्स खोते हैं वो करें, और अगर उनमें दिक्कत आती है, उनमें चेंजेस आते हैं तो आपको कोविड हो सकता है। यानी पहली बात है कि सिर्फ और सिर्फ आरटीपीसीआर डायग्नोस्टिक नहीं होता है कोविड 19 एसोसिएटेड निमोनिया और उसकी सांस की शिकायत को लेकर। एक तो सबसे पहली बात ये जानकारी देना चाहता हूँ अपनी श्रोताओं को। नंबर दो ये कि अगर मुझे सांस की शिकायत होने लग गई है अभी मुझे और मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो मैं किस प्रकार जान सकता हूँ कि मुझे वाकई में परेशानी है या नहीं है? क्या मुझे एंजाइटी से ही दिक्कत हो रही है या वाकई में मेरी ऑक्सीजन कम हो रही है? तो इसके लिए दो काम करने पड़ेंगे। नंबर एक, आप पहले अपने आप को ये देखें कि आपकी जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही थी यानी सांस की फूलन हो रही थी वो किस सिर्फ और सिर्फ बैठे बैठे ही थी और चलते में बराबर बराबर थी, या जब आप कोई एक्सर्शन का काम करते हैं तो वो बढ़ जाती है? अगर एक्सर्शन करने पे बढ़ जाती है तो डेफिनेटली आपके लंग्स में निशान बनने वाली बात और आपको सांस की एक्चुअल फूलन हो सकता है लंग में निशान बनने के और कोविड 19 के लक्षण हो। नंबर दो, अगर आपको रेस्ट करने पे आराम मिलता है तो आपको ये बात है कि आपको हो सकती है बात। अब हम क्या कर सकते हैं घरेलू रूल पे, इसके पहले कि हमें ठीक है डॉक्टर दानिश मैं इस पर आऊंगा, आप बताइएगा क्या क्या हमें करना चाहिए। इससे पहले एक दर्शक है उनको हम ले लेते हैं। गरीब दास हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है सर, अपना सवाल करिए। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। गरीब दास जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है सर, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद रखिए और लाउड स्पीकर पर फोन को ना रखिएगा। सर मैंने वैक्सीन लगवाई थी, दोनों वैक्सीन लगवा लिया सर। जी जी अपना सवाल पूरा करिए सर। सर मेरे वैक्सीन लगवाई थी, दोनों वैक्सीन लगवाई, लेकिन बोलते ना बुखार हो गए, मुझे हुआ कि मैंने पता नहीं करते हुए दोबारा लगवानी पड़ेगी, ऐसा है क्या? सर आपका आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आप दोबारा अपना सवाल पूछिए। सर मैंने वैक्सीन लगवाई जी, पहली वैक्सीन में भी कोई बुखार कोई गरीब दास जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है सर, आप दोबारा कॉल करिए प्लीज, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप एक बार फिर से कॉल लगाइए और नेटवर्क एरिया में आकर बात करिए। वैक्सीन से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल था लेकिन समझ नहीं आया, माफी चाहूंगा इसके लिए। डॉक्टर दानिश आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर, क्या क्या आप सावधानी बताना चाह रहे थे? जहां तक मुझे ये सवाल समझ में आ रहा है कि इनका सवाल पूछने का तथ्य है कि वैक्सीन लगाने के बाद इनको बुखार आ गया जी और किसी ने इनसे कहा कि आप दोबारा जाकर वैक्सीन लगवाइए, तो क्या ऐसा करना चाहिए हमें? तो इसके मामले में जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ आपको कि वैक्सीन के बाद आमतौर पे शाम रात में एक बार बुखार आना नॉर्मल बात है, उसी दिन या उसके अगले दिन सुबह में बुखार का एक बार आ जाना नॉर्मल है, उसमें पैरासिटामोल लेना है आपने और अपने हाइड्रेशन का और अपने आपको पैरासिटामोल लेकर के, और उसके बाद वो बुखार खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 48 घंटे के बाद अगर आपको उसके बाद भी बुखार आता रहता है तो ये हो सकता है कि इससे जुड़ी बात ना हो कि आपने वैक्सीन कराया है, आपको संपर्क हुआ है, 3-4 दिन पहले इंक्यूबेशन पीरियड होता है कोरोना का और इस इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान में आपने आपको क्योंकि वैक्सीन लगाया। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। कोई भी शरीर में जब वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन शरीर में जब जाता है तो वो तुरंत लक्षण नहीं बनाता, लक्षण बनाने में उसको 3-4 दिन से लेकर 12 दिन तक लग सकते हैं। इसी तरह कोरोना वायरस में भी होता है, संक्रमण होने के बाद 4-12 दिन में लक्षण आते हैं। तो इस एसिम्प्टोमेटिक पीरियड में, इस दौरान में, यानी कि 4-6 दिन के अंदर अंदर आपने अगर वैक्सीन लगा ली और उस दौरान के बाद पूरे होने के बाद आपको बुखार हो गया तो इंसान सोचता है कि कोरोना की वैक्सीन लगाने से बुखार हुआ, बल्कि ऐसा नहीं हुआ, एक्चुअली में आपको संक्रमण हुआ और उसके इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जो उसमें एक सिम्टोमेटिक पीरियड में आपने वैक्सीन लगाई और बाद में आपको बुखार आना शुरू हुआ, ये एक्चुअली बुखार आपको कोविड के इन्फेक्शन के कारण या किसी दूसरे भी
इन्फेक्शन के कारण बुखार हो सकता है, तो उसको व्यक्ति को अपने आप को पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ना कि अगला वैक्सीन लेने की होड़ में जाना चाहिए, अगला वैक्सीन उसने अभी नहीं लगाना। जी ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद झज्जर से। विनोद जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी मेरे को लीवर सिरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस और डायबिटीज है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, कहीं उल्टा ना पड़ जाए मुझे, सेहत खराब हो जाए या बुखार तक स्टार्ट हो, मुझे दिक्कत ना आ जाए, तो आप मुझे गाइड करें। जी डॉक्टर दानिश, आज की तारीख में वैक्सीन हेजिटेंसी सबसे बड़ी कुकर्म जन बन चुकी है, सबसे बड़ा हिंदुस्तान के, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही सामने आ रही है कि लोग वैक्सीन लगाने में हिचकिचा रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि मुझे दूसरी बीमारी है और वैक्सीन लगाने से मुझे कोरोना हो जाएगा या वैक्सीन लगाने से मुझे कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, हालांकि असलियत यह है कि बात बिल्कुल ही उल्टी है, ठीक उल्टी बात। जितनी ज्यादा आपको बीमारियां हैं उतनी ज्यादा आपको रिस्क है, जितना शरीर आपका कमजोर है उतना ज्यादा रिस्क है कि आपको एक्टिव कोरोना हो सकता है और गंभीर कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे आपको सिर्फ एक ही चीज बता सकती है, वो है वैक्सीन। जी यानी कि कहने का मतलब है जितनी ज्यादा आपको बीमारियां हैं, चाहे जो भी बीमारी हो, इनफैक्ट आपको अगर ट्रांसप्लांट कैंडिडेट हैं, आपने अपना रीनल ट्रांसप्लांट करा रखा है, इतनी गंभीर बीमारियों की बात कर रहा हूं, आप सुन पा रहे होंगे मुझे जी, तो भी बहुत जरूरी है कि समय से अपने आप को वैक्सीन कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही आपको कोरोना से बचा सकता है, और खासकर आपको जिनको की इम्यूनो सप्रेसिव दवाइयां चल रही हैं और दवाइयां चल रही हैं, जैसे अभी अभी मैंने सुना कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है, लिवर सिरोसिस है। लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती है जी। उसमें तुरंत कोरोना पकड़ सकता है और उसको इंसान को गंभीर कोरोना हो सकता है, और उसको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वैक्सीन। इसलिए मैं बिल्कुल आग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो ये बात सुन ले बहुत ध्यान से कि जितनी ज्यादा गंभीर परेशानी आपको पहले से है, जितना शरीर आपका कमजोर है, जितनी ज्यादा आपको बीमारियां पहले से हैं, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि अपने समय से अपने आप को वैक्सीन कराएं। बिल्कुल डॉक्टर दानिश, आपने बड़ी बात कही, और डॉक्टर अमित मैं आपसे भी यही समझना चाहूंगा, कई लोगों का वैक्सीनेशन को लेकर सवाल रहता है, जबकि डॉक्टर शुरुआत से ही कह रहे हैं कि जागरूकता और वैक्सीनेशन यही हथियार हैं जिनसे हम बच सकते हैं इस बीमारी से, इस महामारी से। डॉक्टर अमित बिल्कुल सही, आई एग्री विद डॉक्टर दानिश कम्प्लीटली, जैसे उन्होंने बताया कि अगर जितनी आपको गंभीर बीमारी है उतना ही वैक्सीन आपके लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव है जी। अगर आपको लिवर सिरोसिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है या किडनी ट्रांसप्लांट जैसी बीमारियां, इसमें आपकी इम्यूनिटी कम है, आप वैक्सीन लगाएंगे आपको प्रोटेक्शन ज्यादा होगी। अगर आपको लगता है कि भाई बुखार होने का चांस है या कुछ सिम्टम्स आने का चांस है, तो उस टाइम पे अपना पैरासिटामोल अपने को प्री मेडिकेट कर सकते हैं। आप पैरासिटामोल सुबह ले सकते हैं, पैरासिटामोल शाम को, और उसके बाद 3 दिन तक पैरासिटामोल ले सकते हैं अगर उनको लगता है कि बुखार या जैसे कोई लक्षण महसूस होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीन लगाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि साथ साथ ये प्रश्न आया है, बहुत लोग मुझे कई बार टीवी में पूछते हैं, वैसे बात करते हैं कि अगर वैक्सीन के साथ हम अल्कोहल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये बहुत बार लोग पूछते हैं। तो मैं एक बार साथ साथ ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि अल्कोहल इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा वैक्सीन लगाने का मकसद होता है हमें एंटीबॉडीज बनाना, जो मैक्सिमम एंटीबॉडीज बनती है हमारी पहले 5 या 6 दिन बनती है, तो उस तक हमारा अगर एंटीबॉडी 10 या 11 तक पहुंच जाए तो काफी होता है। लेकिन अगर आप अल्कोहल लेंगे पहले 4-5 दिन, तो वो आपकी एंटीबॉडी लेवल उतनी नहीं बन पाएंगी और जो हमारा वैक्सीनेशन का पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। तो इसीलिए 24 घंटे पहले वैक्सीन से और 5 दिन वैक्सीन के बाद अल्कोहल का सेवन ना करें। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर अमित कही है, मैं इस पर आगे भी आपसे चर्चा करूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं रमेश। रमेश जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। रमेश जी एक बार सवाल दोहराइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। डॉक्टर दानिश या अमित आप सुन पाए सर? नहीं सुन नहीं पाए। एक बार फिर से आप सर ट्राई करिए, और मैं कोशिश करता हूं जो ऑडियो को दिक्कत है उसको ठीक करवाया जाए, क्योंकि लगातार दर्शकों के काफी महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं, और आज बेहद महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर अमित की ओर से, डॉक्टर दानिश की ओर से कही गई हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें बेहद खास रही हैं कोरोना काल में। एक तो हृदय से संबंधित लोगों को बीमारियां, इस बात का डर लोगों को रहा कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको क्या ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी मुसीबतें लोगों को झेलनी पड़ी हैं सेकेंड वेव के दौरान। काफ़ी सारी बातों का जिक्र दोनों ही डॉक्टर्स की ओर से आज किया जा रहा है, और आज के जो सवाल हैं लोगों के बेहद वो भी महत्वपूर्ण सामने आ रहे हैं,
वैक्सीनेशन को लेकर भी आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो वैक्सीनेशन को लेकर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर लगातार कह रहे हैं इस बात को कि वैक्सीनेशन ही एक बड़ा हथियार है जिसके जरिए हम कोरोना की इस जंग को जीत सकते हैं, कोरोना की इस चेन को तोड़ सकते हैं, इस संक्रमण से हम कामयाबी पा सकते हैं जीतने में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जागरूक रहें, संक्रमण से कैसे आपको बचना है ये आपको बेहद अच्छे से आना चाहिए, डॉक्टर्स की सलाह आप ज़रूर मानें और जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, कोविड-19 का, उसका पालन करते रहें और वैक्सीनेशन पर ज़्यादा जागरूक रहें। इंद्रपाल जुड़ गए हमारे साथ एक दर्शक, इंद्रपाल जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। मैं ऐसा है जी, मेरी एज 70 ईयर्स है जी। जी जी, और मैं, मेरे को उसकी प्रॉब्लम है, श्वास की जी, मतलब दमे की प्रॉब्लम है जी। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है सर, अपना सवाल पूरा करिए। हाँ जी, मेरे दमे की प्रॉब्लम है और मेरे को हार्ट की भी मैं दवाई ले रहा हूँ जी, हाइपरटेंशन की दवाई ले रहा हूँ जी, मतलब ये दवाइयाँ ले रहा हूँ, मेरी कंटिन्यूस कर दी है, और खून पतला होने की मैं इकोसप्रिन ले रहा हूँ, तो क्या ऐसी स्थिति में मेरे को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? ठीक है सर, हमारे साथ दोनों ही डॉक्टर हैं, सांस से संबंधित जानकारी भी आपको मिलेगी, साथ ही अगर आप हर्ट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं वो भी आपको मिलेगी, आप तफसील से सुनिए। डॉक्टर दानिश, मैं चाहूंगा पहले सांस से जुड़ी दिक्कत का आप बताएं, क्या वैक्सीनेशन का कोई इस पर प्रभाव पड़ेगा, क्या है आगे? जी, जैसे मैंने कहा आपको, अगर आपको सांस की परेशानी है तो इसमें कोई बाधा नहीं है वैक्सीन लेने में, बस इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी सांस की परेशानी वेल कंट्रोल्ड हो, यानी कि कंट्रोल परिस्थिति में हो जी। जैसे खास करके एस्थमा है अगर आपको, तो वो कंट्रोल होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है आउट ऑफ प्रोपोर्शंस में बढ़ी हुई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे रेगुलर स्थिति में रहते हैं आप, अपनी रेगुलर सांस की दवाइयां लेते रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप जरूर वैक्सीनेशन कराइए, उसमें कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं है जी। ठीक है डॉक्टर अमित, मैं चाहूंगा आप भी बताएं, क्योंकि हृदय से रिलेटेड दिक्कत भी बता रहे हैं, क्या वैक्सीनेशन का आगे प्रोसेस होना चाहिए? देखिए इंद्रपाल जी, आपको ब्लड प्रेशर है और आप खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं, जो एस्पिरिन की दवाई है वो हमें रोकने की जरूरत नहीं है, एक और दवाई होती है एंटी कोएगुलेंट, अगर वो हो तो उसमें अलग बात होती है, एस्पिरिन रोकने की आवश्यकता नहीं है, बट ब्लड प्रेशर आपको नापना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए, जैसे कि अगर पैरामीटर आपके कंट्रोल में रहेंगे तो फिर ब्लड प्रेशर ज्यादा हेवाए, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा नहीं उसके बाद, तो ब्लड प्रेशर या एस्पिरिन गोली बंद करने की जरूरत नहीं है, उल्टा नो योर नंबर्स, जैसे मैंने बताया था, अपने नंबर्स की जानकारी रखिए, अपना बीपी कितना है, पल्स कितनी है, सैचुरेशन कितनी है, ये आपको नंबर्स, जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर रहता है वैसे ही आपको अपने बीपी, पल्स और सैचुरेशन लेवल आपको पता होनी चाहिए कितनी है। चलिए इंद्रपाल जी, बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा, और इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आज दो डॉक्टर हैं, आप दोनों ही डॉक्टर से अपने हर सवाल का जवाब ले सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, शक हो, मन में संदेह हो, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो संक्रमण को लेकर, वैक्सीन को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर अमित, मैं चाहूंगा एक बार आप दर्शकों के लिए इस बात को क्लियर करें, जो पल्स है या फिर हृदय गति है, ऑक्सीजन लेवल, ये तमाम सारी चीजें हैं, कितना होना चाहिए, कितने पर दिक्कत हो सकती है, हॉस्पिटलाइज कब होना है या फिर घर में कैसे इनको ठीक कर सकते हैं, इस पर अगर आप कुछ बता पाए तो। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं उसमें पल्स और सैचुरेशन आती है जी, और जो एक बीपी की मशीन होती है उसमें पल्स और बीपी आता है। तो और अगर आपको किसी को शुगर की बीमारी है या बॉर्डरलाइन शुगर है तो एक फास्टिंग ब्लड शुगर, तो ये चार चीजें जो है अपनी नंबर्स होनी चाहिए। सबसे पहला हो गया पल्स कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल इंसान की पल्स 60 और 90 के बीच में होती है, रेस्टिंग पल्स अपनी 60-70 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी पल्स ज्यादा बड़ी हुई है, 95-100 है रेस्टिंग में, और चलने पे थोड़ा बढ़ने पे 130-140 हो जाती है, तो वो फिर थोड़ी गंभीरता की बात है, उसको जरा आप नोट करिए कि कब बढ़ जाती है। सेम वे अपना ब्लड प्रेशर नापिए, ब्लड प्रेशर अपना नॉर्मल वैल्यू 120/80 ब्लड प्रेशर होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जनरली यंगर एज ग्रुप में निचला वाला या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 130/85, 130/90, तब आपको सर में भारीपन होने लगेगा, क्योंकि सबसे पतली नसें दिमाग की होती हैं। बहुत बार कोविड में देखा गया है कि बिकॉज ऑफ इमोबिलिटी, बिकॉज ऑफ डिजीज, ना चलने की वजह से या स्टेरॉइड की वजह से ब्लड प्रेशर जिनका बॉर्डर लाइन था वो हाई ब्लड प्रेशर बन जाता है, जिन लोगों का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120-130 चल रहा था वो बढ़ के 160-170 हो जाता है, तो उस समय जो है फिर सर में भारीपन होना या जो है घबराहट, बेचैनी होना, वो लक्षण कॉमन होते हैं। तीसरी चीज थी अपनी ब्लड शुगर की, ब्लड शुगर आपकी खाली पेट होनी चाहिए 100 के आसपास, 100 और 110 के बीच में, और खाना खाने के बाद होनी चाहिए 140 के आसपास। मैं दोबारा नंबर जी रिपीट करता हूँ, शुगर हो गई 100 खाली पेट,
खाना खाने के बाद हो गई 140 के नीचे, दो घंटे खाना खाने के बाद ब्लड प्रेशर हो गया हमारा 120/80 और पल्स रेट हो गई हमारी 60 से 90 के बीच में। अब इनके अलग अलग उपाय हैं, अगर आपकी पल्स रेट गति बहुत तेज बढ़ती जा रही है तो 4-5 चीजें आप घर पे कर सकते हैं। खासतौर पे कोविड के मरीज महिलाओं में बड़ी बार देखा गया है कि धड़कन बहुत तेज हो जाती है कोविड के दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते, जब हम वो बोलने लगते हैं हमारी पल्स 120 हो रही है, 130 हो रही है, तो ये एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकती है, थायराइड की वजह से भी हो सकती है, अगर बॉर्डरलाइन थायराइड फंक्शन है तो उसकी वजह से भी हो सकती है, और चौथी चीज अगर कोई हार्ट में शॉर्ट सर्किट है तो वो भी पैदा कर सकता है ये चीज, बिकॉज कोविड मायोकार्डाइटिस है, हार्ट में इन्फ्लेमेशन है। तो ये 5 चीजें तब ये घर में बैठे बैठे कर सकते हैं अगर धड़कन तेज हो रही है। सबसे पहला प्रेशर ऑन द आईबॉल्स, ये आंखों के पास, ठीक है डॉक्टर अमित, मैं इस पर आपके पास लौटूंगा, आप बताएगा पूरा विस्तार से। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेश, उनका हम सवाल ले लेते हैं। नरेश जी आप अपना सवाल करिए। नरेश जी टीवी की आवाज बंद करिए सर पहले। हाँ जी जी टीवी की आवाज बंद करिए सर, उसके बाद अपना सवाल करिए। कर दीजिए आप सवाल करिए सर अपना। हाँ मैं ये कह रहा था जी, 2 दिन से जो पूरे पेट में वो गुमसा हो रहा है, वो पारा नहीं कह दिया करे। नरेश जी क्या सवाल किया आपने, दोबारा दोहराइए उसे। दोबारा ये कह रहा जी, मेरे को आज सवेरे 4 दस्त गया मैं। हाँ मैं ये नरेश जी आपकी टीवी की आवाज पहले बंद करिए सर। अच्छा सर हाँ कर दी सर जी, अब बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था सवेरे जब उठा तो दस्त शुरू हो गए जी अचानक जी, पेट हाँ, की पेट की दिक्कत आप बता रहे हैं। हाँ मैं पेट की दिक्कत बता रहा हूँ, एक तो एक मेरा मुंह में छाले है पड़ जाए जी काफी बार गले में। ओके ठीक है डॉक्टर जी, डॉक्टर दानिश मुंह में छाले की दिक्कत बता रहे हैं, पेट की दिक्कत बता रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या सलाह आप देंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप कोविड से ग्रस्त हैं या नहीं ग्रस्त हैं, पहले ये बताएं आप, क्योंकि दो अलग अलग बातें होती हैं, बिना कोविड के ये परेशानियां होने और कोविड के साथ साथ ये परेशानियां होने। नरेश जी बताइए कि आपने टेस्ट करवाया है, रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या कोविड के कोई और सिम्टम है? कोविड। नरेश जी टीवी की आवाज सर बंद रखिए अपने। सर जी ना मैंने कोविड का तो टेस्ट करवा लिया जी, कोविड से ग्रस्त नहीं हूँ। नेगेटिव आई है रिपोर्ट? हाँ रिपोर्ट नेगेटिव है जी कोविड की। तो क्या कोई और सिम्टम आपको है, फीवर है, सिर में दर्द है या और किसी तरह की कोई दिक्कत आपको हो रही है? सिर में दर्द हो जी, आज से सवेरे सिर में दर्द हो 10 बजे जी। क्या फीवर की प्रॉब्लम भी है, बुखार भी आपको आया नरेश जी? हाँ बुखार की हल्की बुखार की शिकायत भी हुई थी जी। डॉक्टर दानिश अगर आप समझ पाए हो तो सर सलाह दें। ये ऐसा है कि इनको अगर कोविड की शिकायत है और उसके साथ भी पेट के लक्षण भी हो सकते हैं और साथ साथ इनको ऐसी शिकायतें भी हो सकते हैं जैसे कि कमजोरी महसूस करना, हेडेक महसूस करना, गैस की शिकायत ज्यादा महसूस करना, ये बीमारी पेट को भी इन्वॉल्व कर सकती है। इसमें इनको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये फोरम ऐसा है कि मैं किसी को इंडिविजुअल दवाइयां नहीं बता सकता जी, 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 तो इसमें इनको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि इस समय मुझे डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे दिक्कतें हो रही हैं। कई बार पेट की शिकायत लेके भी कोरोना सामने आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोविड ना हो और इनको पेट का नॉर्मल एक इन्फेक्शन हो गया हो, तो ये बहुत जरूरी कि अपने डॉक्टर से क्लैरिफाई ये करें कि उनको कोरोना है या नहीं है। कोई अभी इनके लक्षण जो है एक टिपिकल कोरोना पेशेंट के नहीं है नॉर्मली, लेकिन पेट की शिकायत लेके भी बात शुरू हो सकती है, हो सकता है कल से इनको शुरू हो जाए बुखार, ऐसा भी मुमकिन है। इसलिए बेहतर है कि इनको एक सही एलोपैथिक डॉक्टर से डायरेक्ट परामर्श लें और फिर अपना ट्रीटमेंट करें, ये मैं सलाह दूंगा। ठीक है बहुत शुक्रिया नरेश जी आप हमारे साथ जुड़े, मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिला होगा और आपने नजदीकी डॉक्टर से आप सलाह जरूर लें, लापरवाही इसमें बिल्कुल ना बरतें। डॉक्टर अमित आप सर बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे, कुछ एक्सरसाइज आप बता रहे थे, मैं चाहूंगा आप उनको आगे बढ़ाएं। मैं ये बोल रहा था अगर किसी को बहुत धड़कन तेज होती है और कहता है कि बहुत धड़कनें तेज हो रही है जी, उस टाइम पे आप 4-5 घर पे फर्स्ट एड मेजर्स हैं जो घर पे कर सकते हैं जी, काम डाउन एंड डिक्रीज द हार्ट रेट, अपनी हार्ट की गति को कम करने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए जी। उसमें सबसे पहला होता है प्रेशर ऑन द आईबॉल्स, आईबॉल्स के ऊपर ऐसा प्रेशर करेंगे ये एक, दूसरा पानी के छींटे मुंह पे मारेंगे, स्प्लैशिंग ऑफ वाटर ऑन द फेस दो, तीसरा होता है कैरोटिड मसाज, यानी ये हमारा
ये एडम्स एप्पल यहाँ पे है, इस साइड पे हमें पल्सेशन फील हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग जोर से प्रेशर लगाएंगे ऐसे या ऐसे, और दोनों साइड नहीं करेंगे, एक ही साइड करेंगे, ये तीन, चौथा हो गया जोर से खांसी करना, और पांचवा जैसे लैट्रिन पे जोर लगाते हैं वैसा जोर लगाना। इन पांचों में से कोई भी एक या दो चीजें कर सकते हैं हार्ट की गति को कंट्रोल में लाने के लिए, और उसके बाद जो आपकी एडिशनल दवाई जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है या आपके पास पड़ी है बीटा ब्लॉकर्स या कोई दवाई उस तरह की, वो आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो हार्ट रेट की गति जो है बहुत कॉमन फीचर है पोस्ट कोविड, हम लोग देखते हैं सेकेंड वीक थर्ड वीक ऑनवर्ड्स जब लंग सिम्टम इनके इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है, महेंद्रगढ़ से विक्रम एक जुड़ गए हैं दर्शकों के साथ। विक्रम जी आपका स्वागत है, सवाल करिए अपना। हाँ नमस्कार जी। जी हाँ जी, मैं सीएडी का पेशेंट हूँ जी, और मेरी रेमसरेल, क्लोपिड, एस्ट्रोवास और ये टेबलेट चल रही है, मेरी 5 टेबलेट चल रही है। तो कोविड का वैक्सीन तो मैंने दोनों ले लिया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। डॉक्टर दानिश इस बीमारी के साथ कोविड की वैक्सीन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ऐसी कोई भी ऐसी दवा नहीं ले रहे हैं जिससे कि वैक्सीनेशन से दिक्कत हो आपको, और आगे जा करके आपको प्रिवेंशन ही मिलेगा, तो इसमें आप चिंता बिल्कुल ना करें, इससे आपको आगे कोरोना से बचाव ही मिलेगा। ये है सिंपल और सीधा जवाब जी। डॉक्टर मैं चाहूंगा आप भी सर सलाह दें इस पर। मैं वही कह रहा हूँ कि जो ब्लड थिनर्स है वो कंटिन्यू करिए, ब्लड थिनर्स बंद नहीं करिएगा, और अपने सिम्टम्स से वॉच करते रहिए, और अगर कोई जैसे अपने नंबर्स, पल्स, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन, वो सब वॉच करते रहिए, और अपनी एक्सरसाइज मेंटेन रखिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल अपना मेंटेन रखिए। चलिए बहुत शुक्रिया विक्रम जी जुड़ने के लिए, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। सबसे ज्यादा डॉक्टर दानिश जरूरी है कि हम अपना ध्यान रखें, क्योंकि लोग अक्सर लापरवाही करते हैं और उसी लापरवाही की वजह से सिचुएशन क्रिटिकल बन जाती है, और फिर किस तरीके की दिक्कतें आती हैं ये हमने देखा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक एक चीज का ख्याल रखना, एक एक चीज जो डॉक्टर बता रहे हैं, जो आप लोग बता रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, उन पर गौर करना। डॉक्टर दानिश जी, इसमें तो मैं सबसे पहले जो सबसे बड़ी लापरवाही है उसी पे आना चाहूंगा जी। सबसे बड़ी लापरवाही है कि लोग सोचते हैं कि जो लॉकडाउन खत्म होने वाला है इसमें अब सीधे बाहर निकल जाइए और शॉपिंग करना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी लापरवाही तो यही है, सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन नहीं मेंटेन करना, मास्क नहीं लगाना। मैं अभी कल ही और आज भी सड़क पे निकल रहा हूँ और देख रहा हूँ दोबारा से, बीच में लोग जो है थोड़े डर गए थे शायद, अब दोबारा वो जैसे जैसे न्यूज देख रहे हैं कि भाई डेथ रेट कम हो रही है, केस पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है, हालांकि यही समय है जब दोबारा से कोविड अपना सर उठाएगा, ये लोग समझने की कोशिश करें। ये दानिश जी बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही है, जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। सर अपना नाम बताइए, अपना सवाल करिए। हाँ जी, मैं अशोक मल्होत्रा बोल रहा था चंडीगढ़ से जी। जी अशोक जी सवाल करिए अपना, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी सर, ऐसे है मैं डीबीटी पेशेंट हूँ जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करिए। मैं ये कह रहा हूँ मैं डीबीटी का पेशेंट हूँ, क्या मैं कोरोना का इंजेक्शन लगवा सकता हूँ? डॉक्टर अमित, यानी कि पैरों की नसों में क्लॉट होना, उसमें अगर आप एक कोई दवाई खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं जिसका नाम है वार्फरिन या एलिक्विस, इस तरह की कोई दवाई ले रहे हैं आप कि नहीं ले रहे हैं? वार्फिन ले रहा हूं। तो आप इस तरह की दवाई ले रहे हैं अगर, तो आप वार्फरिन, हेलो, हाँ जी हाँ जी, आप ये वार्फरिन की दवाई ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हाँ जी ले रहे हैं, वार्फिन ले रहे हैं सर। हाँ जी, तो वॉल्फरिन ले रहे हैं तो सर एक जरूरी है, एक टेस्ट होता है जिसका नाम है PT INR, INR का टेस्ट करवाइए, अपना INR का टेस्ट देखिए कि कितना है, अगर तो INR की वैल्यू आपकी जो है 1.5 के नीचे है तब तो आप वैक्सीन अभी लगवा सकते हैं, या अगर आप टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं तो आप ये वॉल्फरिन की गोली जो है 72 घंटे नहीं खाइए, 72 घंटे नहीं खाने के बाद आप वैक्सीन लगवाइए, और वैक्सीन लगवाने के 24 घंटे के बाद दोबारा वॉल्फरिन की गोली ले सकते हैं। दानिश जी मैं चाहूंगा आप भी सलाह दें इस पर। हाँ नहीं, बिल्कुल सही जवाब है ये। नॉर्मल जो ब्लड थिनर्स होते हैं प्लेटलेट के खिलाफ जो काम करते हैं, जिसमें एकॉस्पिरिन है, क्लोपिडोग्रेल है, ये दवाइयां कंटिन्यू की जा सकती हैं और इनके साथ वैक्सीन ली जा सकती है जी। लेकिन जो ये एंटीकोगुलेंट ब्लड थिनर होते हैं जैसे वार्फरिन है, और जैसे नए और कुछ भी आए हैं, डेबिगैट्रेन की बात कर रहे हैं, एलिक्विस की बात कर रहे हैं, ज़ेरल्टो, तो ये नई दवाइयां जो है इनके ऊपर अगर है जो कि ब्लड कोगुलेंट है, तो ये एंटीकोगुलेंट है, इनके साथ
आपको व्यवहार करना चाहिए, इनमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसको कम से कम 3 दिन के लिए रोकना पड़ेगा या फिर PTINR की रिपोर्ट के हिसाब से अपने आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा, ये जरूरी है। और इसमें भी ये जरूरी इसलिए है क्योंकि रिस्क ऐसा नहीं है कि शरीर में जो है आप वैक्सीन लेंगे तो कोई उससे कहीं पे क्लॉट बन जाएगा, सिर्फ इस बात है कि जैसे जिस साइट पे आपको वैक्सीन लग रही है वहां आपको आपको जो है ब्लड का एक वो बन सकता है, हेमाटोमा बन सकता है, ब्लड का कलेक्शन बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको इससे कोई शरीर में कहीं फैलने का रिस्क है, बस ये बात है। तो इसलिए ही थोड़ा सा सावधानी हमने रखनी है कि आप या तो INR करा लें या 3 दिन का गैप ले लें आप अपनी दवा का। चलिए अशोक जी, जी अशोक जी शुक्रिया जुड़ने के लिए, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। और जो डॉक्टर्स की सलाह है वो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए बड़ा ही ध्यान से और गौर करके इन सलाह को सुनना है और इन पर अमल भी हमें करना है। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और दोनों ही डॉक्टर से आप सलाह लेते रहिए। जो भी आप सवाल करेंगे, संक्रमण से जुड़ा हुआ, बीमारी से जुड़ा हुआ, वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ, आपको हर सवाल का जवाब यहाँ पर मिलेगा। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा का ये खास कार्यक्रम कोविड OPD हमने शुरू ही इसलिए किया है ताकि जो लोग घर पर बैठकर डॉक्टर्स की सलाह लेना चाहते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं या फिर घर में होम आइसोलेट हैं, तो फिर वो अपना सवाल कर सकें और उसका जवाब भी उनको मिल सके। पुरुषोत्तम जुड़ गए हैं हमारे साथ, अगले दर्शक। पुरुषोत्तम जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी, जिहड़ा आदमी गोड्या की दवाई खा रहा उसे में वो भी वैक्सीन लगा सकता कि नहीं जी, जो गोडे दर्द होते हैं जी? सर अगर आप हिंदी में सवाल कर पाए तो सर बेहतर होगा। मैं कह रहा हूँ जो गोडे होते हैं जोड़ों के दर्द वाली कोई आदमी दवाई खा रहा है वो भी वैक्सीन लगा सकता है कि नहीं जी? ठीक है डॉक्टर दानिश जी, मैं इसमें जवाब देना चाहूंगा। जी जी जी, देखिए अगर आप नॉर्मल पेन किलर जिसको NSAIDs कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं जिसको कॉमन दर्द की दवाइयां कहते हैं, ठीक है, तो ये दवाइयां के साथ आप वैक्सीन पूरी तरह से लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मुंह से खाने वाले स्टेरॉयड की दवाइयां ले रहे हैं, स्टेरॉयड यानी कि जैसे प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, ये सब दवाइयां अगर आप ले रहे हैं और हाई डोज पे हैं, यानी कि अगर आप प्रेडनिसोलोन की 7.5 मिलीग्राम से ऊपर की डोज पे हैं, 15 मिलीग्राम से ऊपर की डोज पे हैं, तो उनकी डोजेज को थोड़ा कम करना चाहिए और तब आपने वैक्सीन लगानी चाहिए। ये इसलिए नहीं क्योंकि आपको साइड इफेक्ट होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर हाई डोज पे स्टेरॉयड चल रहा होगा पहले से, तो जो वैक्सीन आपकी जाएगी शरीर में उसकी इफेक्टिविटी और इफेक्टिवनेस कम होगा। इसलिए हमारी डॉक्टरी सलाह यह है कि जब आप अगर आप स्टेरॉयड वाली गोली पहले से ले रहे हैं किसी कंडीशन के लिए, गठिए कंडीशन के लिए, तो उस दवा की डोज को 7.5 मिलीग्राम से कम आ जाना चाहिए प्रेडनिसोलोन। लेकिन अगर आप स्टेरॉयड जैसी कोई दवा नहीं ले रहे हैं, केवल दर्द की दवा या दूसरे गठिए की दवा ले रहे हैं, तो ऐसे में कोई डोज कम करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको वैक्सीन लगाने में कोई हिचक है। आप बिना किसी चिंता के सीधे जाकर के डोज लगवा सकते हैं अपनी वैक्सीन के और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। डॉक्टर अमित, क्योंकि लगातार दिल की बीमारी को लेकर हम शुरुआत में ही जिक्र कर रहे थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ सेकेंड वेव के दौरान जो सीधा हार्ट पर ये बीमारी अब अटैक करना शुरू कर दी और लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई इससे? ये जो सेकेंड वेव में क्या हुआ है कि जो कोरोना के में देखा गया कि जो प्रो कोगुलेंट स्टेट या जो खून की गांठे गांठे बनने का जो चलन है वो ज्यादा सामने आया जी। ये उन लोगों में आया जो या तो पहले भी हाइपरटेंसिव थे, डायबिटिक थे, या यंग पेशेंट जो पहले बॉर्डरलाइन डायबिटिक थे या हाइपरटेंसिव थे, और उनमें एकदम सडन कार्डियक डेथ होने का जैसे हमारे रोहित सदानंद जी के साथ जैसे हुआ था उस टाइम पे जी, जी, जी। तो यही है कि ये अगर तो आपके बॉर्डरलाइन, अगर आपके हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, स्ट्रेस है और उसमें क्लॉटिंग टेंडेंसी बन रही है, तो उसमें फिर ये जो चीज जो है डी डाइमर अपना कराना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा अगर आपके पास घर में, मैं ये चाहूंगा दोबारा मैं बड़ी जरूरी बात कहना चाहूंगा कि घर में फर्स्ट एड के लिए आजकल हर घर में एस्पिरिन 300 मिलीग्राम च्यूएबल जरूर रखिए। च्यूएबल मतलब 300 मिलीग्राम चबाने वाली एस्पिरिन, वाटर सॉल्युबल एस्पिरिन रखिए। जो इंसान चबा नहीं सकता है उसको चम्मच में घोल के दे दीजिए जिसको छाती में दर्द हो रहा है, क्योंकि एस्पिरिन एक ऐसी गोली है जो हम लोग वैसे भी हेडेक के लिए लेते हैं। अगर किसी को भारीपन हो रहा है और जिस हिसाब से ये मैंने बताया आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, छाती में भारीपन हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में हो रही है, खासतौर पे मैं युवा वर्ग मिडिल एज की बात कर रहा हूँ, 35-40 एज का एज ग्रुप है, और हो रही है, पसीना घबराहट आ रहा है, एसी चल रहा है लेकिन पसीना घबराहट आ रही है साथ में, तो एक एस्पिरिन की अगर आप 300 मिलीग्राम की गोली ले लेंगे तो 22% चांस है कि आपकी डेथ नहीं होगी, ठीक है, 22% मोर्टेलिटी बेनिफिट हो जाएगा आपको सीरियस इलाज में। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है सर, अपना नाम बताइए, अपना सवाल करिए।
जी मेरा नाम चंद्रा है, जी, से। जी, बताएं जी, अपनी मदर के बारे में पूछना था जी, कि उनको कोविशील्ड का फर्स्ट डोज 31 मार्च को लगा था और फिर उनको 1 मई को मतलब फीवर वगैरह हो गया था तो उनको लगभग 10 दिन ट्रीटमेंट लेना पड़ा था, तो अब उनका सेकंड डोज, और उनको शुगर भी है, हाई बीपी भी है, और तो अब उनका सेकंड डोज कब लगवाना चाहिए? डॉक्टर दानिश जी, इसमें ये बात क्लियर नहीं हुई कि हमें दूसरा जो ये बुखार होने के बाद ट्रीटमेंट लिया गया वो कोरोना का ही लिया गया या नहीं, इस बात को थोड़ा क्लैरिफाई करें प्लीज। मैम जी, उनको कोरोना नहीं था क्या उनका आरटीपीसीआर? क्योंकि अभी इस समय पे बुखार आने का मतलब हम सबसे पहली चीज कोरोना ही देखते हैं, तो क्या उनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ था? जी उनका टेस्ट हुआ था, नॉर्मल रिपोर्ट थे जी। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लीजिए कि जैसे नॉर्मल अगला डोज का समय आएगा उसी अगले समय पे आप अपना डोज लगवाएं। अगर कोविड नहीं हुआ है आपको पहली डोज लगाने के बाद, तो उसमें जो नॉर्मल सरकारी अभी जो गाइडलाइंस आ गई हैं कि अगली डोज आपको जो लगवानी है उसके टाइम पीरियड पे अपना जैसे नंबर आएगा आपको, आपको SMS आएगा, आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेंगी आपको कोविन साइट से, इवन कॉल भी आ रहे हैं, उसी समय पे अपना जाकर वैक्सीन लगाएंगे और उसमें कोई भी डेट के बदलाव नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको कोविड हो जाता है बीच में, अपने अगली डोज से पहले अगर आपको कोविड हो जाता है और आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, या लंग में निशान बन गए थे, या डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया है आपको कॉन्फिडेंटली कि आपको कोविड ही हुआ था इस दौरान के अंदर, तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। इसमें कम से कम आपने 12 सप्ताह का समय लेना पड़ता है अगर बीच में कोविड हो जाता है अपने लक्षण के खत्म होने के बाद। और अगर नहीं हुआ है आपको कोविड, तो फिर आपको जैसे नॉर्मल आपके वैक्सीन का समय आता है उस समय जाके लीजिए। चलिए, शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। डॉक्टर अमित, क्योंकि वैक्सीनेशन का जब अंतराल बढ़ा था तब भी लोगों के मन में, लोगों के जहन में सवाल आया था कि अंतराल क्यों बढ़ाया गया, पहले अगर कम दिन के अंदर डोज लगती थी सेकंड, तो इसको क्यों बढ़ाया गया, इसको लेकर मैं चाहूंगा आप एक बार लोगों को डाउट क्लियर करें। जो एंटीबॉडीज का जो अंतराल बढ़ाया गया, देखिए जो कोरोना एक नया वायरस है, नई नई स्टडीज चल रही हैं, जैसे जैसे स्टडीज के एविडेंसेस नए नए आ रहे हैं तो उसी तरह से जो डिसीजन चेंज होंगे जी। तो पहले 4 हफ्ते थे, उसके बाद 8 हफ्ते 12 हफ्ते किया गया है, इससे ये हुआ कि एटलीस्ट आपकी जो एंटीबॉडीज है वो ज्यादा देर तक चलेंगी, ड्यूरेबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज या प्रोटेक्शन आपको ज्यादा देर तक मिलेगा, ये बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप 4 हफ्ते करेंगे तो आपकी ऑर्गन एंटीबॉडी ऑलरेडी 8 या 10 की चल रही है, तो ड्यूरेशन ऑफ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कम रहेगा। अब इसके अलावा जो मैं एक नया जो अभी चल रहा है संचलन में आ रहा है, मिक्सिंग ऑफ एंटीबॉडीज, मिक्सिंग ऑफ वैक्सीनेशन, वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिकॉज कुछ हद तक ये जरूर है कि लॉजिस्टिक इश्यूज हमारे की अगर हम लोग मिक्सिंग ऑफ एंटीबॉडीज कर रहे हैं या ड्यूरेशन ऑफ एंटीबॉडीज बढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ हद तक लॉजिस्टिक इश्यूज भी हैं, और साइंस भी उसके साथ है कि वो ये बताती है कि अगर आप मिक्सिंग ऑफ एंटीबॉडीज कर रहे हो तो उससे यह है कि कुछ एक एंटीबॉडी, आप मान लीजिए mRNA एंटीबॉडी एक स्ट्रेन के अगेंस्ट इफेक्टिव है तो दूसरा वाला जो है दोनों स्ट्रेन के अगेंस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, तो उसपे बेटर हो जाएगा। स्टडीज स्पेनिश स्टडीज कई स्टडीज अभी आई है जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, जहाँ पे इन्होंने ओवर द एज ऑफ 65 बोल दिया कि अगर आप 65 से नीचे हैं तो आप मिक्सिंग ऑफ एंटीबॉडीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और स्टडीज आने बाकी। ठीक है, अंबाला से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर अपना नाम बताइए और सवाल करिए अपना। मेरा नाम कुलदीप है सर। जी कुलदीप जी, सवाल करिए। सर ऐसा ही, मेरी मिसेज ने वैक्सीन लगवाई थी कोवैक्सीन। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, सवाल करिए अपना। हाँ कोवैक्सीन लगवाई सर मेरी मिसेज ने, तो कभी कभी बीपी लो हो जाता था, तो उससे अगले दिन सुबह में उसका चक्कर आया और बीपी लो हो गया सर, तो करीब जब तो चक्कर से ठीक हुई तो 55 बीपी था लो में, तो सर उसको दूसरी वैक्सीन जो लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए सर अभी टाइम पे? डॉक्टर अमित मैं जाऊंगा सर, सलाह दें आप। तो देखिए इसमें पहला तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरी वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। जो इनको बीपी लो हुआ था, इसको हम लोग कई बार बोलते हैं अगर खड़े होने पे बीपी लो होता है, सडनली खड़े होने पे, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थो हाइपोटेंशन लेडीज में ज्यादा पाया जाता है। ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा देर तक खड़े ना रहें, अवॉइड सडन स्टैंडिंग, अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, यानी ज्यादा देर तक खड़े ना रहें और एकदम खड़े ना हो, अगर लेटी हैं तो लेटने के बाद थोड़ा बैठिए फिर खड़ा होइए, गला सूखने नहीं दीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में पानी वगैरह पीते रहिए, पेट जो है हमेशा आधा पेट रखिए, कम से कम 5 या 6 बार दिन में खाना खाइए, 2-3 घंटे में पेट कुछ ना कुछ खाते रहें,
जिससे कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप ना हो। ये बहुत कॉमन डिजीज है जो महिलाओं में पाई जाती है और बुजुर्गों में पाई जाती है, उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। बीपी थोड़ा सा कम होता है और खड़े होकर चक्कर आते हैं, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, पानी ज्यादा पीना, दो दो घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना और एकदम ज्यादा देर तक खड़े नहीं होना, वो रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हाइड्रेशन प्रिवेंट करेंगे, दूसरी वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। जी डॉक्टर दानिश, मैं चाहूंगा थोड़ा और विस्तारित आप इसको करें, क्योंकि इस तरीके के सवाल कई सारे दर्शकों के सामने आते हैं। जी तो ये मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग छोटे छोटी चीजें हो जाना, जैसे मैं वैक्सीन लगाने गया और वहां से लौटा तो मुझे थोड़ी घबराहट हो गई और फिर वो सबको बोलते हैं कि भाई आप वैक्सीन मत लगाइए, आपको घबराहट हो जाएगी। तो इस तरह की अफवाह और गलत इन्फॉर्मेशन प्लीज पास ऑन ना करें। वैक्सीन हमारी दोनों ही कोवैक्सीन और कोविशील्ड और अब जो स्पुटनिक भी आ रही है और भी आ जाएंगी अभी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल, ये सारी बहुत ही ज्यादा सेफ है, इनसे कोई क्लॉट वगैरह बनने की आपको रिस्क नहीं है। आप बिल्कुल निसंकोच होकर के, चाहे आपको कोई क्रॉनिक दूसरी बीमारी हो या ना हो, हाँ ये बात ठीक है कि आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप ना भी ले पाए तो भी अगर आप जब अपने वैक्सीन सेंटर पे जाएंगे तो वहां पे आपके हेल्थ केयर वर्कर आपसे सारी चीजें पूछेंगे और जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तो ही आपको वैक्सीन देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आप जुड़े और दोनों ही डॉक्टर्स की सलाह आपको मिली है। उम्मीद है कि आपको संतुष्टि भी मिली होगी जवाब से और जो आपको बताया गया है वही आप फॉलो भी करें ताकि सही दिशा में आप आगे कदम वैक्सीनेशन को लेकर अपनी वाइफ के लिए बढ़ा सकें। बेहद ज़रूरी हो जाता है, सावधानी हमें हर चीज़ को लेकर करनी है। जो एक एक पॉइंट डॉक्टर्स बता रहे हैं उन पर हमें ध्यान देना है। वैक्सीनेशन को लेकर बार बार जोर दिया जा रहा है कि हमें वैक्सीनेट ज़रूर खुद को करना है और जितनी ज़्यादा आबादी को हम जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर पाएंगे, संक्रमण को उतना ही खुद से दूर रख पाएंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार और यही एकमात्र हथियार है जिससे हम इस जंग को जीत सकते हैं। हमारे साथ पंचकुला से विक्रम जुड़ गए एक दर्शक। विक्रम जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। हेलो जी विक्रम जी, सवाल करिए, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर डॉक्टर अमित जी से पूछना है। एक्चुअली मेरे फादर है 72 इयर्स। ओके। उनको वो हार्ट पेशेंट है, ओवर स्टंट लग चुका है और क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? पहले बीपी हम ने चेक किया है, रेगुलर अभी कर रहे हैं वीकली, तो अभी वो उनके एज के अकॉर्डिंग अभी 95-140 के करीब है। डॉक्टर अमित। हाँ जी बिल्कुल, वैक्सीन लगा सकते हैं। स्टेंट्स के बाद जो खून पतला करने वाली दवाई है उनको भी रोकने की आवश्यकता नहीं है। ब्लड प्रेशर थोड़ा और बेटर कंट्रोल हो सकता है, अपने फिजिशियन से सलाह लेके ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ थोड़ी और बेटर करके 120/80 या 130/80 के रेंज में आ जाए ब्लड प्रेशर। लेकिन इस ब्लड प्रेशर पे भी वैक्सीन लगाई जा सकती है और तुरंत लगानी चाहिए, क्योंकि इनका संक्रमण होने का चांस और कोरोना होने का चांस और कोरोना के बाद हार्ट की या लंग की कॉम्प्लिकेशन होने का चांस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। चलिए शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। डॉक्टर दानिश जी, क्योंकि आज लगातार कई सारे सवालों के जवाब डॉक्टर्स की ओर से दिए गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सभी ने उन सभी जवाबों को, उन सलाह को गौर से सुना होगा और आप उन पर अमल भी करें और इसी तरीके से ओपीडी इस कार्यक्रम में आप जुड़ते रहें। आज के लिए डॉक्टर दानिश और डॉक्टर अमित आपका बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय निकाला और दर्शकों को उनके सवालों के जवाब भी दिए। तो फिलहाल आज ओपीडी में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप स्वस्थ रहें और संक्रमण से खुद को बचाकर रखें, सावधानी बरतें। नमस्कार।